नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट टीवी और मैं हूं प्रभजीत सिंह। अगर आप ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने जा रहे हैं, वाहन की आरसी अप्लाई करने जा रहे हैं या फिर अपने वाहन का टैक्स भरने जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। जी हाँ, ऐसी खबर सामने आई है उत्तर प्रदेश के कई शहरों से, कानपुर से, वाराणसी से, वहाँ से काफ़ी सारे केस सामने आए हैं जिन लोगों ने ऑनलाइन फीस भरी थी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए या आरसी के लिए, लेकिन वो फीस परिवहन विभाग तक पहुँची नहीं बल्कि किसी और के खाते में चली गई। तो ये वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊँगा ये पूरा मामला क्या था। लेकिन सबसे पहले हम जान लें कि परिवहन विभाग की तरफ से, जो केंद्रीय मंत्रालय है उसकी तरफ से वेबसाइट बनाई गई है जिस पर हम ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करते हैं या आरसी अप्लाई करते हैं या टैक्स भरते हैं, लेकिन वैसी ही एक नकली वेबसाइट किसी की तरफ से बना ली गई। तो जब भी कोई गूगल पर ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस सर्च करता या आरसी सर्च करता या टैक्स के लिए सर्च करता तो सबसे ऊपर उसको नकली वेबसाइट शो होती थी। ये वेबसाइट का जो यूआरएल एड्रेस रखा था www.rtoonline.com, ये उनकी तरफ से रखा गया था। इसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग होते हैं अपने परिवहन विभाग के दफ्तर को ज़्यादातर आरटीओ दफ्तर के नाम से जानते होते हैं, तो उन्होंने वेबसाइट का नाम rtoonline.com रखा। तो इस ये वेबसाइट सबसे ऊपर शो होती थी क्योंकि उन्होंने इसके लिए गूगल एड्स की सहायता ली हुई थी, इस पर एड लगाई हुई थी ताकि विज्ञापन के जरिए ये सबसे ऊपर आ जाए और हर एक व्यूअर को जो भी सर्च करे उसको सबसे ऊपर दिखाई दे और वो इसी वेबसाइट को असली समझकर यहाँ पर फीस भर दे। ये वेबसाइट बिल्कुल वैसी ही थी जैसे परिवहन विभाग की असली वेबसाइट है। जब भी आप इस वेबसाइट पर जाते तो यहाँ पर अलग अलग श्रेणियाँ थी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए या आरसी के लिए या व्हीकल के टैक्स के लिए, कई सारी श्रेणियाँ थी। तो वहाँ पर बाकायदा फीस भरने के लिए पेमेंट ऑप्शन दिया जाता था, एप्लीकेशन नंबर मिलता था जिसका आप प्रिंट तक ले सकते थे। तो ऐसे में कोई पहचान ही नहीं पाता था कि ये वेबसाइट असली है या नकली। तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे में धोखा हुआ। लगभग 2000 के करीब केस अभी तक सामने आए हैं जिन लोगों ने, किसी ने लर्निंग लाइसेंस के लिए फीस भरी थी तो किसी ने आरसी के लिए भरी थी, लेकिन वो परिवहन विभाग तक पहुंची ही नहीं। अब देखिए कि परिवहन विभाग के नाक के नीचे ये सब काम चल रहा था। कोई वैसी सेम वेबसाइट बना लेता है जैसी उनकी वेबसाइट है और उनको पता तक नहीं चलता है और जनता का पैसा लूट लिया जाता है। तो कुछ लोगों के जो केस सामने आए उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। यूपी के वाराणसी में पहाड़िया पड़ता है। पहाड़िया से राजेश कुमार ने अपने मोबाइल से लर्निंग लाइसेंस के लिए 350 रुपये फीस भरी थी, लेकिन जब वो परिवहन विभाग के दफ्तर पहुंचे तो वहां जाकर उनको पता चला कि वो तो रिकॉर्ड में है ही नहीं, उनकी तरफ से कोई फीस परिवहन विभाग को नहीं मिली है। ऐसा ही केस है। इसी प्रकार मछोदरी से संजीव अग्रहरि जी हैं, इन्होंने भी फीस भरी थी लेकिन इनकी भी फीस वहां पर पहुंची नहीं, क्योंकि असल में ये फीस इन्होंने नकली वेबसाइट पर भर दी और ये किसी लुटेरे के पास पहुंच गई। तो आप देखिए कि कैसे इतने सारे लोगों के साथ लूट हो जाती है और अभी तक कोई भी पकड़ा नहीं गया है। ये वेबसाइट अभी भी है लेकिन ये खुलती नहीं है। आप गूगल पर जाकर www.rtoonline.com लिखते हैं तो आप देखिए कि वहाँ पर ये वेबसाइट अब नहीं खुल रही है, लेकिन अभी भी ये सबसे ऊपर ही आती है। ये खुल नहीं रही है क्योंकि शायद जो भी ये वेबसाइट चलाता था उसकी तरफ से बंद कर दी गई है। तो ऐसे इस प्रकार ठगी की जा रही थी लोगों के साथ, लेकिन अभी तक जो है अपराधी पकड़े नहीं जा रहे हैं। सरकार चाहे तो मिनटों में पकड़ सकती है क्योंकि साइबर सेल है, सारी जानकारी होती है, जो भी डोमेन नेम लेता है वो बकायदा रजिस्टर होता है। तो इस मामले में अगर चाहे तो सरकार इस पर कार्रवाई कर सकती है और जनता से जो लूट हुई है उसका हिसाब किताब लिया जा सकता है और उसकी भरपाई की जा सकती है, लेकिन यहाँ पर साफ नीयत से काम करना ज़रूरी है। मैं आपको बता दूं कि आप जब भी कोई आपको ऑनलाइन फीस पे करनी है आरसी के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए या टैक्स भरना है वाहन का, तो उसके लिए जो असली वेबसाइट है, सरकारी वेबसाइट है, केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जो चलाई जाती है, ये है parivahan.gov.in। ये सरकारी वेबसाइट है। इस पर अगर आपको लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है तो इसका आपको सारथी पोर्टल की आपको ऑप्शन मिलेगी, सारथी, उसमें क्लिक करना है। और अगर आपको आरसी के लिए करना है तो वाहन पोर्टल में जाकर वहां पर आपको अलग अलग विकल्प दिखाएगा, वो आप अपनी ज़रूरत के अनुसार चुन सकते हैं। तो यहाँ पर एक बात मैं साफ कर दूँ कि कोई भी सरकारी वेबसाइट जो होती है वो उसका जो डोमेन नेम है पीछे .com कभी नहीं होता है। तो आप ये धोखा खाने से बच सकते हैं अगर आप ध्यान दें कि सरकारी वेबसाइट का डोमेन नेम कभी भी
.com नहीं हो सकता है, वो .in होगा या .gov.in होगा, ऐसा होगा। तो ऐसे में ये ध्यान रखें फीस भरने से पहले कि आपके साथ ऐसी लूट ना हो। तो यहाँ पर हमारी सरकार पर, प्रशासन पर कुछ सवाल उठते हैं, क्योंकि एक तरफ ये भारत को डिजिटल इंडिया बनाने की बात करते हैं, मोदी जी लगातार ही बात करते आ रहे हैं कि भारत को डिजिटल इंडिया कर देंगे, लोगों को हर एक सुविधा उनके फ़ोन पर, उनके मोबाइल पर इंटरनेट के ज़रिए मिलेगी। लेकिन अगर इतने लोगों के साथ ऐसे ठगी हो जाएगी तो आखिर डिजिटल इंडिया का भविष्य क्या है? क्या सरकार अपनी सरकारी जो वेबसाइट्स हैं उन्हीं का ध्यान नहीं रख पा रही? तो बाकी लोगों का क्या ध्यान देगी, क्या सर्विसेज को दे पाएगी? क्योंकि ऑनलाइन सब कुछ करना मतलब जो भी डेटा है लोगों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ या जो भी है वो सब कुछ ऑनलाइन कर देना, लेकिन यहाँ तो देखिए कि परिवहन विभाग की ही वेबसाइट के साथ ऐसा हो जाता है, तो आम कोई व्यक्ति का कोई डेटा ऑनलाइन है तो वो कितना सुरक्षित है? ये सवाल डिजिटल इंडिया मुहिम पर उठते हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है, पहले भी 2018 में एक मामला सामने आया था यूपी से, तब परिवहन विभाग की वेबसाइट किसी की तरफ से हैक कर ली गई थी और उसमें भी काफ़ी लोगों के साथ धांधली हुई थी। तो अब सरकार की नीयत पर और सरकार के कामों पर सवाल तो उठते हैं कि अगर डिजिटल इंडिया बनाना है तो उसको गंभीरता से लेना होगा ताकि ऐसे लोगों के साथ ठगी ना हो, और इस केस में भी जो भी दोषी है उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, क्योंकि सरकार चाहे तो सारी जानकारी उनके पास है, सारा डेटा उनके पास है, वो अपराधी को पकड़ भी सकती है और जो भी लोगों से लूट हुई है, जिनका पैसा गया है, उसकी भरपाई की जा सकती है। तो आज के लिए इतना ही, ऐसी जानकारियाँ हम आपको हमेशा देते रहेंगे, आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि कोई भी ज़रूरी जानकारी जो आपके काम से जुड़ी है वो मिस ना हो, अपडेट जल्द से जल्द आप तक पहुंच जाए। और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी मिल पाए। तो देखते रहें ट्रांसपोर्ट टीवी, शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएँ, ताकि ट्रांसपोर्ट जगत की कोई भी खबर छूट ना जाए।